हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 7, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, जिसे हम लोग मार्टिनडेल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं मार्टिनडेल? ये उन्हीं महान उनका नाम है, कह सकते हैं इंसान का, जिसने ये फार्माकोपिया को क्रिएट किया है। तो आप समझते हैं आखिरकार ये एक्स्ट्रा वर्ड क्यों आ गया इसमें, ठीक है ना? या मार्टिनडेल कौन है, आओ समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। तो एक्स्ट्रा फार्माकोपिया की अगर हम शुरुआत करें, यानी कि मार्टिनडेल की, तो कह रहा था एक्स्ट्रा फार्माकोपिया वॉज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड इन 1883, है ना? पहली बार कब आया था ये? 1883 में आया था ये, ठीक है, बाय विलियम मार्टिनडेल। इन्होंने ही पहली बार खुद से हाथों से लिख करके इसको पब्लिश किया, एंड इज स्टिल नोन एज मार्टिनडेल, पब्लिश बाय एंड इज स्टिल नोन एज मार्टिनडेल, ठीक है ना? इसको आज भी मार्टिनडेल के नाम से ही जाना जाता है अब। बट आज की तारीख में इसको पब्लिश किया जाता है द रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। बात समझ में आई? 1883 में पहली बार विलियम मार्टिनडेल ने इसको क्या किया था, प्रोड्यूस किया था, ठीक है। इसीलिए इसका नाम आज भी क्या पड़ा हुआ है, मार्टिनडेल पड़ा हुआ है। पब्लिश कौन करता है आज की तारीख में? द रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। कैसे? मार्टिनडेल के पास से ये मार्टिनडेल यानी कि एक्स्ट्रा फार्माकोपिया ब्रिटिश इसमें रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी के पास आ गया। ये पूरी कहानी समझते हैं हम लोग यहां पर छोटे से पैरा के थ्रू। द टर्म एक्स्ट्रा, यहां पर अच्छा एक्स्ट्रा का मतलब क्या है, ठीक है, कह रहा है द टर्म एक्स्ट्रा मीन्स इन दिस इंस्टेंस आउटसाइड। यहां पर एक्स्ट्रा का मतलब है बाहरी। तो बाहरी क्या चीज है, तो समझो बात को। बिकॉज द बुक एम टू डिस्क्राइब द ड्रग डेट वर आउटसाइड द ब्रिटिश फार्माकोपिया, ठीक है ना? अब ये 1883 में आया था, ब्रिटिश फार्माकोपिया 1864 में पब्लिश हो चुकी थी। इन्होंने देखा कि उस फार्माकोपिया के अलावा भी कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो काम की हैं। प्लस दूसरा एक ड्रॉबैक क्या था ब्रिटिश फार्माकोपिया का, काफी लंबे लंबे ड्यूरेशन पे ये 10 साल 8 साल में ये क्या होती थी, रिवाइज होकर आती थी, ठीक है ना? उस बीच में जो नई मेडिसिन आ जाती थी, है ना, उस समय बड़ा ड्रास्टिक टाइम चल रहा था, पता ही है, जो 19th सेंचुरी अपना था, 20th सेंचुरी, वो क्या था, बड़ा तेजी से अपना हो रहा था, उसमें बड़ा डेवलपमेंट बड़ा तेजी से हो रहा था। तो अब ये क्या कह रहा है, आगे देखते हैं। विलियम मार्टिनडेल, ये उनका लिखा हुआ है इसके बारे में, वर्क ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ रैपिड साइंटिफिक डिस्कवरी। जिस समय काम कर रहे थे उस समय साइंटिफिक डिस्कवरी बड़ी तेजी से हो रही थी। डिस्कवरी ना, समझते हो ना, नए नए ड्रग ढूंढने जा रहे थे फटाफट, नए नए ड्रग आ रहे थे। मार्टिनडेल हिमसेल्फ वाज एन इन्वेंटर, वो खुद भी एक इन्वेंटर थे और एक डेवलपर थे ऑफ फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस, नए नए फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन दवाइयों के वो इन्वेंटर और डेवलपर थे। फ्रॉम 1868 ऑनवर्ड्स ही रेगुलरली पब्लिश पेपर्स एंड ऑल्सो आंसर्ड फार्मासिस्ट। 1860 के बाद वो लगातार पब्लिश पेपर को पब्लिश करते थे और फार्मासिस्ट के आंसर देते थे क्वेश्चन इन द फार्मास्यूटिकल जर्नल। फार्मास्यूटिकल जर्नल एक मैगजीन थी, वहां पर जो क्वेश्चंस क्रिएट किए जाते थे फार्मासिस्ट के द्वारा, ये उनके आंसरिंग करते थे, ठीक है ना? जैसे कि जर्नल वगैरह शायद तुम लोग अभी ना पता हो, क्वेश्चंस एक कॉलम होता है जहां पे क्वेश्चंस आते हैं और जिसको उसका आंसर पता होता है वो आंसर करता है उसका। मार्टिनडेल सॉ, उन्होंने देखा द नीड फॉर ऑल दिस न्यू इन्फॉर्मेशन टू बी कंपाइल्ड इन अ बुक। वो बार बार आंसर करते थे, उन्होंने कहा सबके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्यों ना एक काम किया जाए, एक बुक के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी जाए और पब्लिश कर दी जाए। बस यहीं से ख्याल आया उनको द एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। अब उन्होंने देखा कि ब्रिटिश फार्माकोपिया तो है ही ऑलरेडी, तो उसका नाम क्या दे दिया, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, यानी कि ब्रिटिश फार्माकोपिया के अलावा अगर कोई दवाई की इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहां आ जाओ, यहां मिल जाएगी, ठीक है। वॉज इनविजन्ड, इनविजन्ड मतलब यही सोच करके इसको डेवलप किया गया, टू फिल दिस रोल, इसी रोल को फिल करना था कि जो एक्स्ट्रा है वो कहां से कवर होगा। इट इनेबल्ड फार्मासिस्ट टू हैव एक्सेस टू अप टू डेट इन्फॉर्मेशन। जैसे ही पब्लिश हुआ तो जो फार्मासिस्ट थे वो इनेबल हो गए, सक्षम हो गए अप टू डेट इन्फॉर्मेशन पे रहने के लिए कि नई नई चीजें क्या आ रही हैं। अबाउट द लेटेस्ट फार्मास्यूटिकल ट्रीटमेंट, जो लेटेस्ट फार्मास्यूटिकल ट्रीटमेंट है, दवाइयों के ट्रीटमेंट है, वो सारी उनको मिलने लगी। मार्टिनडेल वॉज असिस्टेड बाय डब्ल्यू विन वेस्टकॉट हु कंपाइल्ड द मेडिसिनल रेफरेंस। इन्होंने सारे रेफरेंस को कंपाइल किया था, इन्होंने इसकी हेल्प की थी, ठीक है। द फर्स्ट एडिशन एंटाइटल्ड द एक्स्ट्रा फार्माकोपिया ऑफ अनऑफिशियल ड्रग एंड केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन वॉज स्लिम पॉकेट वॉल्यूम। जो पहला इसका एडिशन था उसका नाम क्या था, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया ऑफ अनऑफिशियल ड्रग्स एंड केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन समझ में आता होगा अब क्या है, चैप्टर बड़ा बड़ा होगा, ठीक है। वॉज अ स्लिम पॉकेट वॉल्यूम, पॉकेट जेब के अंदर आ जाएगा इतना पतला था ये, ऑफ 313 पेजेस कंटेनिंग सम 250 ड्रग मोनोग्राफ। इसके अंदर लगभग 250 ड्रग के मोनोग्राफ थे। एब्रस जो कि प्लांट है एक, है ना,
मटर के फैमिली का होता है ये, इज द फर्स्ट ड्रग मोनोग्राफ लिस्टेड इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ मार्टिनडेल। पहला जो मोनोग्राफ था वो एब्रस के ऊपर था। क्लियर है? द एक्स्ट्रा इन द एक्स्ट्रा फार्माकोपिया रेफर टू डिस्क्राइब द ड्रग्स एंड सब्सटेंसेस नॉट इंक्लूडेड इन ब्रिटिश फार्माकोपिया फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1864। एक्स्ट्रा का मतलब क्या है? वो सारे ड्रग्स या सब्सटेंस जो ब्रिटिश फार्माकोपिया में इंक्लूड नहीं किए गए थे। रिवाइज एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया वर ओनली पब्लिश्ड एवरी 12 टू 18 ईयर। जो रिवाइज पब्लिकेशन था बीपी का वो काफी लेट होता था ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ रैपिड फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट। अब बड़ी तेजी से डेवलपमेंट हो रहा था, नए नए ड्रग्स सामने आ रहे थे, ठीक है ना। लेट सम क्रिटिक्स टू द क्लेम दैट इट वॉज ऑलरेडी आउटडेटेड बाय द टाइम ऑफ पब्लिकेशन। जब तक वो नया पब्लिश होता तब तक जो नया आ रहा है वो भी आउटडेटेड हो गया। बात समझ में आ रही है? इन कंपेरिजन न्यू एडिशन ऑफ द एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, जब एक्स्ट्रा फार्माकोपिया से उसकी तुलना की गई तो एक्स्ट्रा फार्माकोपिया में लेटेस्ट अप टू डेट इन्फॉर्मेशन थी, उसमें वो इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ठीक है। वन ऑफ द थ्री, ठीक है, जो कि जो एक्स्ट्रा फार्माकोपिया थे पब्लिश होती थी एवरी 1 to 3 ईयर, वो हर 2 से 3 साल में पब्लिश हो जाती थी। विलियम मार्टिनडेल लाइफ टाइम, जब तक वो जिंदा थे उनकी लाइफ टाइम में 2 से 3 साल में ये पब्लिश होती रहती थी। दीज वर नॉट कंप्लीट रिवीजन अनलाइक मॉडर्न एडिशंस बट अपडेट बेस्ड ऑन मार्टिनडेल लेटेस्ट रिसर्च। ये एक कंप्लीट रिवीजन तो नहीं होता था, कौन सा मार्टिनडेल, जैसे कि मॉडर्न एडिशन होते थे फार्माकोपिया के, बट अपडेट बेस्ड ऑन मार्टिनडेल लेटेस्ट रिसर्च, जो रिसर्च करते थे लैब में उसके ऊपर बेस्ड सारी इंफॉर्मेशन उसमें होती थी। टू मेक द बुक मोर कॉम्प्रहेंसिव, कॉम्प्रहेंसिव मतलब काफी डिटेल में किसको समझाने के लिए, द फोर्थ एडिशन इन 1885 आल्सो इंक्लूडेड द ऑफिशियल प्रिपरेशंस ऑफ बीपी। फाइनली इसके अंदर कुछ ऑफिशियल प्रिपरेशन ऑफ बीपी को भी इंक्लूड किया गया। इन टोटल सब कुछ मिला के देखा जाए, विलियम मार्टिनडेल प्रोड्यूस 10 एडिशन ऑफ द एक्स्ट्रा फार्माकोपिया फ्रॉम 1883 अंटिल डेथ 1902। जब तक उनकी मौत हुई उन्होंने 10 एडिशन पब्लिश कर चुके थे। In 1889, he was elected of the Council of the Pharmaceutical Society, serving as its president from 1899 to 1900. He also worked as the BP in 1898. ठीक है, ये उनकी कुछ उपाधियां थी कि ऐसे ऐसे उन्होंने काम किया। अब बात करते हैं आगे की। फरवरी 1902, एज 61, वो 61 साल के थे, he was found dead at home, घर पे वो मरे हुए पाए गए। After William Martindale's death, the production of the extra pharmacopoeia and the ownership of the मार्टिनडेल फार्मास्यूटिकल बिजनेस पास टू हिज सन, उनके बेटे को विरासत में वो सारी चीजें मिल गई। अच्छा, बेटा भी उनका नालायक नहीं था, अच्छे थे वो, ठीक है। विलियम हैरिसन मार्टिनडेल, जिनका नाम क्या था, WH मार्टिनडेल, ठीक है, जिनकी खुद की लाइफ काफी कम रही। असल में वो जिस लैब में काम करते थे ना, तो वहां पे बहुत ज्यादा काम करने की वजह से उनकी भी सेहत खराब हुई और उनके बेटे की भी सेहत खराब हो गई थी, तो जल्दी मौत हो गई थी। WH मार्टिनडेल क्वालिफाइड एज फार्मासिस्ट इन 1898, वो भी फार्मासिस्ट की तरह क्वालिफाइड थे, एंड ऑल्सो एक्सपेरिमेंटेड ऑन न्यू कंपाउंड्स, और वो भी क्या करते थे, नए कंपाउंड्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते थे एंड फॉर्मुलेशन। इन अप्रैल 1933, एज ओनली 58, जब उनके लड़के मात्र 58 साल के थे, तब उनका भी हार्ट फेल की वजह से क्या हो गई, मौत हो गई। अब समझो बात को, व्हेन WH मार्टिनडेल डाइड, जब ये मरे, देयर वाज नो अदर फैमिली मेंबर टू प्रोड्यूस द एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। अब इतनी अच्छी चीज, अब उसको कोई आगे प्रोड्यूस करने वाला नहीं था, ठीक है ना। जो मार्टिनडेल थे उनका उनके लड़के ने संभाल लिया, ठीक है, अब कोई नहीं था। Therefore, in December 1933, British Pharmaceutical Codex, the Pharmaceutical Society, जो Pharmaceutical Society थी, उसने परचेस कर लिया उसके सारे राइट टू प्रोड्यूस एंड सेल, जिससे कि उसे प्रोड्यूस कर सके और बेच सके द एक्स्ट्रा फार्माकोपिया को, ठीक है ना। तो महान चीज के लिए महान लोगों का योगदान रहा। द 28th एडिशन दिख रहा है, द 28th एडिशन 1982 वॉज द फर्स्ट टू बी प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉनिकली। पहला एडिशन, मैंने कहा ना खास खास बातें, पहला एडिशन था जिसको इलेक्ट्रॉनिकली प्रोड्यूस किया गया बाय एन एक्सटर्नल कंपनी, बाहरी कंपनी के द्वारा। अ कंप्यूटर, एक कंप्यूटर जैसे कि आजकल i3 i4 ऐसे आते हैं ना, वैसे ही कंप्यूटर था, इसका नाम था वैक्स 11 730 सिस्टम विद 470 MB ऑफ स्टोरेज, मात्र 470 MB का स्टोरेज था उसके अंदर। वॉज इंस्टॉल्ड एंड लोडेड विद द कंटेंट, इसके अंदर सारा कंटेंट डाला गया 28th एडिशन का, विच वॉज देन प्रोग्रेसिवली अपडेटेड इन द कोर्स ऑफ एन एडिशन। फिर वो जैसे जैसे नया नया एडिशन आता गया उसके हिसाब से उसको अपडेट करते चले गए। बात कर ले 15th एडिशन की, अब इसमें क्या खास है, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, अब धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन क्या होती जा रही है, इकट्ठी होती जा रही है, एक्यूमुलेट होती चली जा रही है। दिस फार्माकोपिया इज डिवाइडेड इन टू 2 वॉल्यूम, इस फार्माकोपिया को डिवाइड कर दिया गया 2 वॉल्यूम में, ठीक है, 1910 में। एंड द फर्स्ट डबल वॉल्यूम एडिशन वॉज पब्लिश इन 1912, ये खासियत थी 15th एडिशन की, जो कि 1912 में पब्लिश हुआ था।
23rd एडिशन में जो था वॉल्यूम 2 का पब्लिश हुआ था और 24th एडिशन वॉल्यूम 1 पब्लिश हुआ था 1958 में। सप्लीमेंट ऑफ 24th एडिशन पब्लिश हुआ 1961 में। ये डेट से चाहो तो यहां पर याद करना, अनिश्चित मत करना। हाँ, 25th एडिशन वॉज पब्लिश इन फरवरी 1967 बाय फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। 26th एडिशन वॉज रिलीज इन जुलाई दिस। 30th एडिशन पब्लिश इन 1993। अब ये सारी डेट्स ही याद रखो तो अच्छी बात है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट वाली बातें थी ऊपर में कुछ डेट्स बताई थी। मार्टिनडेल कंटेंस, क्या बोल रहे हैं ये, कह रहा है मार्टिनडेल कंटेंस अप टू डेट ऑथोरिटिव इंफॉर्मेशन। जो मार्टिनडेल हमारे पास जो ये बुक है इसके अंदर अप टू डेट एकदम लेटेस्ट इंफॉर्मेशन रहती है, ठीक है ना। कैसी इंफॉर्मेशन रहती है? अप टू डेट ऑथोरेटिव, बिल्कुल ऑथराइज इंफॉर्मेशन होती है, गलत नहीं होगी। ऑन ड्रग्स एंड मेडिसिन, ड्रग्स और मेडिसिन के ऊपर, विच आर यूज थ्रू आउट, जो कि थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज रिटन फॉर दोज इन्वॉल्व इन यूज ऑफ ड्रग एंड मेडिसिन इंक्लूडिंग प्रैक्टिस प्रैक्टिसिंग फार्मासिस्ट एंड फिजिशियन। ये उनके लिए लिखी जाती है, इट इज रिटन फॉर दोज, उनके लिए लिखी जाती है जो कि इन्वॉल्व है इन यूज ऑफ ड्रग, जो ड्रग के यूज में ड्रग का यूज करते हैं एंड मेडिसिन का यूज करते हैं, जिसके अंदर फार्मासिस्ट और फिजिशियन भी इन्वॉल्व है, उनके लिए ये किताब लिखी जाती है। द लेटेस्ट 40th एडिशन पब्लिश इन मई 2020 विद द 2 वॉल्यूम। इसके साइलेंट फीचर क्या है आओ देख लें। इसके साइलेंट फीचर, ओवर 6400 ड्रग्स मोनोग्राफ समराइजिंग द नॉमेनक्लेचर प्रॉपर्टीज एंड एक्शन ऑफ ईच सब्सटेंस ऑल इन वन बुक, ठीक है ना। उनका नॉमेनक्लेचर, उनकी प्रॉपर्टी, उनके एक्शन सबके सब एक ही बुक में थे, गिविंग यू क्विक एंड इजी एक्सेस, है ना, जल्दी जल्दी आप उसको देख सकते हो। 1,25,000 प्रिपरेशंस फ्रॉम 43 कंट्रीज एंड रीजन, 43 कंट्रीज और रीजन से करीब 1,25,000 प्रिपरेशंस को क्या किया गया, ला करके इसके अंदर इन्वॉल्व किया गया। उसके बाद अगर हम देखें इसमें तो नियरली 700 ट्रीटमेंट्स रिव्यूज, लगभग 700 ट्रीटमेंट्स हैं विद रेफरेंस फ्रॉम द पब्लिश लिटरेचर, जो जिसमें कि पब्लिश लिटरेचर, जो कि लिटरेचर पब्लिश हो चुके हैं उनके रेफरेंस दे रखे हैं। 5,600 प्लस फार्मास्यूटिकल टर्म्स, वो टर्म्स दे रखे जो फार्मास्यूटिकल्स में इस्तेमाल होते हैं। रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस रास्ते से दवाई दी जाएगी, इन 13 मेजर यूरोपियन लैंग्वेज, है ना, तो लगभग 13 मेजर यूरोपियन लैंग्वेज में इसको पब्लिश किया गया है। ओवर 60,000 रेफरेंस साइटेशन एंड ओवर 2,500 इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, ठीक है ना, उनकी लिस्ट है इसके अंदर। लगभग 60,000 रेफरेंस हैं, ठीक है, 25,000 इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स की लिस्ट है। हर्बल्स डायग्नोस्टिक एजेंट, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, फार्मास्यूटिकल एक्सीपिएंट्स, टॉक्सिन्स एंड पॉइजन्स, ये सब की भी लिस्ट इसके अंदर दे रखी है। तो मार्टिनडेल कुछ और नहीं है, समझ में आ गया होगा, इनका योगदान से इन्होंने जो ब्रिटिश फार्माकोपिया के अलावा कुछ दवाइयां थी जरूरत के हिसाब से इन्होंने डेवलप की, और एक ये आज एक अपने आप में बड़ा रूप इसने ले लिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या करना है तुम लोगों को, जिन बच्चों के पास ऐप है अच्छी बात है, जिन लोगों के पास ऐप नहीं है वो लोग ऐप को डाउनलोड करेंगे और ये सारी फैसिलिटीज उनको ऐप में मिलने वाली है, ठीक है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, एमसीक्यू प्रैक्टिस, ठीक है, एमसीक्यू प्रैक्टिस खास करके एग्जिट एग्जाम के ऊपर बेस्ड होने वाला है, ठीक है ना, जो कि 1 मार्क्स क्या कहते हैं यहाँ पे डी फार्म और एग्जिट एग्जाम दोनों पर बेस्ड होगा। फ्रिंद ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन मिलेंगे जो कि तुम्हारे डी फार्म में आते हैं। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका क्या है, रूटीन टेस्ट मिलने वाले तुमको ऐप में, जिससे कि आप उन टेस्ट से जब बंधे रहेंगे और उन टेस्ट के हिसाब से अगर आप चलते रहते हैं तो आपको कभी भी ये ऐसा फील नहीं होगा कि मेरा कुछ छूटा हुआ चल रहा है, ठीक है। शेड्यूल में दे चुका हूं तो फटाफट जाकर के ऐप को डाउनलोड करें, ठीक है, और उस शेड्यूल से आकर के बिल्कुल जुड़ जाएं। जब डिफार्म करके निकलेंगे एक नॉलेजफुल पर्सन बन के निकलेंगे और ऐसा नहीं होगा कि कुछ आता नहीं था, ठीक है ना। लेक्चर के लेक्चर नोट्स, इनका जो लेक्चर तो यूट्यूब पे भी है देख ही रहे हो, ठीक है, नोट्स का लिंक मेरे हर एक लेक्चर का अवेलेबल है। कुछ बच्चे जो नए जुड़ते हैं उनको पता नहीं होता है, तो मेरे हर एक लेक्चर के नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होता है यूट्यूब में, ठीक है। और YouTube में कई बार लेक्चर ढूंढने में दिक्कत आती है, तो बेस्ट ये है कि ऐप में जाएंगे, ठीक है, जब ऐप को आप बाय कर लेते हैं तो वहाँ सारे लेक्चर सीक्वेंस में तुम लोगों को मिल जाते हैं। उसके बाद भी कोई क्वेरी है ऐप को लेकर के, ठीक है, या किसी और चीज़ को लेकर के, मेरे चैनल से लेकर के या मेरे ऐप से लेकर के, तो इस पर फ़ोन करें, वो डाउट मैं तुम लोगों का क्लियर कर दूंगा। और सबसे ज़रूरी बात रिवीजन करना है, क्या करना है, रिवीजन, बिना रिवीजन के कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, तो रिवीजन करते रहें, पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।